अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चाओं में रहती है। हाल ही में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे पर लोकसभा के अंदर फिर ऐसा बयान दे दिया था जिसे सुनकर पीएम मोदी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। बीजेपी ने इस बयान से एक बार फिर किनारा कर लिया था और उन पर माफी के लिए अंदर खाने दबाव भी पड़ रहा था, जिसको लेकर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने लोकसभा में देखिए किस तरीके से अपने बयान पर माफी मांगी। मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इसी सदन के एक माननीय सदस्य द्वारा मुझे सार्वजनिक तौर पर आतंकवादी कहा गया। मेरे साथ तत्कालीन सरकार द्वारा रचे गए षड्यंत्रों के बावजूद अदालत में मेरे खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। बिना दोषी सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी कहना कानून के खिलाफ है। कोई आरोप सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी बताना एक महिला के नाते, एक सन्यासी के नाते, एक सांसद के नाते मेरे सम्मान पर हमला करके मुझे अपमानित करने का प्रयास किया गया है। एक महिला होते हुए तत्कालीन सरकार द्वारा षड्यंत्र रचकर शारीरिक मानसिक रूप से मुझे माननीय सदस्य माननीय सदस्य मुझे द्वारा दिनांक 29 नवंबर 2009 को की विशेष तारीख के मामले संबंधित सूचना प्राप्त हुई, इसके विचार दिन है। आप सुने आप। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को।